दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की खूबसूरती का हर कोई दीवाना होता है, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में बने रहने के लिए और अपने लुक्स को और भी ज्यादा निखारने के लिए इन एक्ट्रेसेस ने कितनी प्लास्टिक सर्जरीज का सहारा लिया होता है, ये आम जनता को शायद ही पता चलता होगा। और कई बार तो इनकी ये प्लास्टिक सर्जरीज इतनी बुरी तरह से बिगड़ भी जाती है कि आपकी फेवरेट हीरोइनों का चेहरा बिल्कुल ही भद्दा लगने लगता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही एक्ट्रेसेस के बारे में बताने वाले हैं जिनकी प्लास्टिक सर्जरीज बिगड़ने के बाद उनका चेहरा बहुत ही भद्दा लगने लगा था। सबसे पहले बात करेंगे अनुष्का शर्मा की। अनुष्का शर्मा ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत शाहरुख खान के साथ फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से की थी। उस फिल्म में अनुष्का का अंदाज बहुत ही सादगी भरा नजर आया था और दर्शकों को उनका यही सादगी भरा लुक काफी पसंद भी आया था। लेकिन न जाने अनुष्का को क्या सूझी कि उन्होंने अपने होठों की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली और उनकी वो सर्जरी इतनी बुरी तरह से बिगड़ गई थी कि कई लोगों ने तो उनके होठों को देखकर उन्हें डोनाल्ड डक भी कहना शुरू कर दिया था। पीके फिल्म में अनुष्का शर्मा के होंठ इतने खराब लग रहे थे कि उस वजह से अनुष्का को दर्शकों की खूब ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। वहीं इस लिस्ट में कटरीना कैफ का नाम भी शामिल है। कटरीना कैफ ने अपने लुक को और भी सुंदर बनाने के लिए अपने होठों की और अपनी नाक की सर्जरी करवाई थी। कटरीना की नाक की सर्जरी के बाद उनका चेहरा बहुत ही ज्यादा बदल गया है और उनकी नाक बहुत ही छोटी सी नजर आती है, जिसे देखकर ये लगता है कि शायद उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होती होगी। वहीं बिगड़ी हुई प्लास्टिक सर्जरीज की अगर बात हो रही हो तो इसमें आयशा टाकिया का नाम सबसे पहले आना चाहिए। आयशा टाकिया ने अपने करियर की शुरुआत में ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया था, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो आयशा टाकिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उन्हें देखकर उनका चेहरा बहुत ही बिगड़ा हुआ नजर आता है। उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि हाल फिलहाल में आयशा टाकिया ने जो लिप सर्जरी करवाई है वो कितनी बुरी तरह से बिगड़ गई है और उनका चेहरा बिल्कुल भद्दा सा नजर आने लगा है। आयशा टाकिया के इतने मोटे मोटे होंठ बहुत ही खराब नजर आते हैं। आयशा टाकिया पहले बहुत ही सुंदर और क्यूट सी नजर आती थी, लेकिन इस सर्जरी के बाद आयशा बहुत ही भद्दी सी नजर आती हैं। इनके अलावा कोयना मित्रा भी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी प्लास्टिक सर्जरी के बाद उनका चेहरा बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया था। कोयना मित्रा सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज कराने वाली एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं। वहीं कोयना मित्रा ने अपनी इन्हीं प्लास्टिक सर्जरीज की वजह से अपना चेहरा इतना खराब कर लिया है कि उनका पूरा का पूरा बॉलीवुड करियर ही खराब हो गया। कोयना मित्रा की सबसे ज्यादा खराब प्लास्टिक सर्जरीज में उनके होठों और उनके नाक की सर्जरी आती है, जिस वजह से उनकी नाक बहुत छोटी सी हो गई है और उन्हें देखकर लगता है कि शायद उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होती होगी। और वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस बात का कि प्लास्टिक सर्जरीज जब खराब होती हैं तो आपका चेहरा कितना बुरी तरह से बिगाड़ देती हैं। वहीं अगर वाणी कपूर की बात करें तो वाणी कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से की थी। उस फिल्म में वाणी बेहद खूबसूरत नजर आई थी, लेकिन जब वाणी ने बेफिक्रे फिल्म की तो उनका लिप सर्जरी करवाने के बाद चेहरा काफी बदल चुका था। वाणी कपूर का लुक बहुत ज्यादा बदल चुका था और वो पहले जितनी स्वीट लग ही नहीं रही थी। इन सब के अलावा राखी सावंत भी इस लिस्ट में शामिल है। राखी ने अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए न जाने कितनी प्लास्टिक सर्जरीज का सहारा लिया है, लेकिन एक के बाद एक प्लास्टिक सर्जरीज कराने के बावजूद राखी सावंत का चेहरा सुंदर लगने की बजाय और भी ज्यादा भद्दा होता गया है। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री की इन हीरोइनों के बारे में जानकर कैसा लगा जिनकी प्लास्टिक सर्जरीज बहुत बुरी साबित हुई, और इनमें से आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी थी, और आपको उनका प्लास्टिक सर्जरी से पहले वाला लुक ज्यादा पसंद था या प्लास्टिक सर्जरी के बाद वाला लुक ज्यादा पसंद है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी बॉलीवुड की एक और ऐसी ही चटपटी खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।